सास बहू और बेटियाँ में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं द रियल लाइफ वाइफ ऑफ सूरज, यानी कि उड़ान के सूरज विजेंद्र कुमेरिया हमारे साथ हैं। वेलकम टू सास बहू और बेटियाँ, और कैसे हो आप? थैंक यू, हम बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू वेरी मच। वेल, हियर्स अ प्रीति, जिनसे हम बहुत दिनों पहले, एक्चुअली ऑलमोस्ट 2 साल पहले मिले थे और अब मिल रहे हैं। सो आप मम्मा पापा हो गए हैं अब, सो लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं? और सबसे पहले तो आप बताइए, कैसी है आपकी अभी रियल लाइफ, कितनी मस्त चल रही है बिकॉज ऑफ प्रीति? बहुत अच्छी चल रही है, और हम पहले 2 थे, अब 3 हो गए हैं, और घर पे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज किमाया के साथ टाइम कहाँ जाता है वो पता नहीं चलता। जो थोड़ा बहुत टाइम होता है मैं घर पे अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड करना पसंद करता हूँ, एंड इट इज़ लवली, राइट? लेकिन देखा जाए तो एक आर्टिस्ट की लाइफ बहुत टफ होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप अगर डेली सोप कर रहे हो सो 12 घंटे 14 घंटे आपको सेट पे होना होता है। सो उस दौरान व्हेन यू आर अलोन एंड टेकिंग केयर ऑफ किमाया, कैसा रहता है? गुस्सा आता है कभी कभी कि क्या है? एक्चुअली गुस्सा तो नहीं, इट्स जस्ट दैट कि ही डजंट गेट मच टाइम टू स्पेंड विद किमाया, ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। तो आप खुद अपने डेली रूटीन में यू बिकम सो बिजी व्हेन यू हैव अ टॉडलर एट होम। तो यही होता है कि विजेश मतलब ज़्यादा वक्त के माया के साथ बिताएं, बिकॉज एज एन एक्टर्स लाइफ आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ही हैज़ हिज ओन कमिटमेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट, बट इट्स जस्ट दैट कि वो जब बार बार जब वो स्कूल से आ जाती ना, शी स्टार्टेड विद प्ले स्कूल, तो जब वो पूछती है कि डेरा पास जाना है, डेरा पास जाना है, तो दैट्स समथिंग जो मुझे हाँ फील होता है कभी कभी। अच्छा, क्या कहती है कि माया? अभी 2 साल की ऑलमोस्ट होने वाली है, सो आई एम श्योर बोलने लग गई होगी, सो किस तरह तुतला के क्या क्या कहती है? छोटे छोटे काफ़ी टूटा फूटा बोलती है। एक्चुअली टूटा फूटा नहीं, वो बहुत क्लियरली बोलती है, जैसे मम्मा पास काफी क्यूटली बहुत सारी बातें बोलती है। फेवरेट उसका होता है कि यहाँ कहाँ भी जाना होता है वो भैया पास जाना है, जैसे उसका कजिन है रियांश, ऊपर ही रहते हैं वो लोग, पापा पास, डैडी पास जाना है, दादू पास जाना है। क्या कह के बुलाती है कि माया आपको? मुझे डैडा बुलाती है। डैडा एंड मम्मा को मम्मी मॉमी कुछ नाम रखा है? इट्स जस्ट मम्मा, मम्मा पास जाना है। अभी बिकॉज नाउ यू आर मदर एंड फादर, और नया नया छोटा छोटा मतलब एकदम नए नए मम्मी पापा हैं, सो कितने चेंजेस आपकी खुद की इंडिविजुअली आए हैं, किस तरह? क्योंकि पहले तो शादी थी, वी वर बडीज आप दोनों, नाउ देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो कितने चेंजेस? सर काफ़ी चेंज होते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं आप, पेशेंट हो जाते हैं, और आप खुद से पहले आप बच्चे की कन्वीनियंस देखते हैं कि क्या है, कहीं जाने से पहले हो या कुछ भी हो, सो या ऐसे चेंजेस आते हैं। और बाकी मैं कहूँगा कि इनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं बिकॉज पूरा दिन यही संभालती है कि माया को, मैं बहुत कम समय बिताता हूँ। सो जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक अच्छी मदर के लिए, वो सब इनमें हैं, सारे गुण हैं, एंड शी इज़ रेजिंग किमाया वेरी वेल, एंड मैं इसके 100 मार्क्स देता हूँ पूरे के पूरे इन्हें। हाँ, मैं थोड़ा टाइम नहीं स्पेंड कर पाता हूँ, बट अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, सो यू कांट डू एनीथिंग। बट आई एम श्योर ही इज़ आल्सो द परफेक्ट डैडा फॉर किमाया। ओह यस, ही इज़, वेन एवर ही हैज़ जो भी थोड़ा बहुत टाइम भी ही गेट्स, तो ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू स्पेंड इट विद किमाया, नो मैटर वेदर ही सेज इट और वो बोले या नहीं बोले, बट हिज लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड हिज डॉटर। आई मीन टू से किमाया इज अ रेप्लिका ऑफ विजय, मतलब द वे शी स्लीप्स, द वे शी टॉक्स, हाउ ही वॉज वेन ही वॉज ऑफ किमायाज एज, द सेम वे किमाया इज राइट नाउ। सो वेन विजय इज अराउंड और ही इज नॉट अराउंड, वो रिफ्लेक्शन होता है, नॉटी, प्रैंक्स करना, खाना, सोना, उठना, तो इट्स लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ हर फादर। सो ये है किमाया में, किमाया कह सकते हैं पापा पे गई है, पापाज डॉटर। यस, कम्प्लीटली, शी डजंट लुक लाइक मी, शी डजंट डू एनी थिंग लाइक मी। यस, शी इज अ वेरी हाइपर चाइल्ड, इवन आई, यू नो, आई यूज टू बी वेरी हाइपर, बट मदरहुड हैज काइंड ऑफ टॉट मी टू
become very patient in life. So that's a good change. Wow. So as a mother father, आप full on enjoy कर रहे हैं इस parenthood को. जी, बिल्कुल. I think everybody should become a mother. One, you know, I mean to say, motherhood is something which is a blessing. And अगर आपको भगवान वो चीज़ देता है, I think motherhood, you have to be, it's a blessing. And I feel, and I'm very, very thankful also to Vijay that I'm a mother. I think, in fact, we were just discussing about this yesterday. You feel so complete. Okay, Maya देखती है उड़ान, पापा को देख के she react, what she react? उस दिन कुछ समय पहले there was a scene जहाँ पे Vijay he was having a fight sequence हो रहा था. तो I just told her के माया dada dishum कर रहे हैं. She went out and told everybody dada dishum कर रहे, dada dishum कर रहे. And she actually said dada like 8:30 dada. She knows it's her dada which is coming on TV. तो उसमें she's following her father's footsteps. So I am very clear on what she wants to become in life. आपने देखा है उसको आपका सीरियल देखते हुए? ऑफ होता है जिस दिन मेरा, तो 8:30 को घर में लगता है उड़ान. सो शी वॉचेज. और मैंने जब फर्स्ट टाइम उसे देखते हुए देखा था तो मुझे लगा था पता नहीं पहचानेगी कि नहीं, बट शी रिकॉग्नाइजेस और वो बताती है डैडा डैडा. इट्स फनी. वाओ. सो क्या प्लानिंग है आप लोग की? कितना कुछ सोच रखा है अभी या सब छोड़ा हुआ है उसी पे? नहीं, एक्चुअली वी हैव, मतलब वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. और आई थिंक आवर पेरेंट्स ऑल्सो नेवर इम्पोज एनीथिंग ऑन अस, एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू गिव अ द सेम अपब्रिंगिंग. वी डू नॉट वॉन्ट टू इम्पोज आर थाट्स. आई वॉन्ट कि माया टू ग्रो अप एज हर, एज बींग हर ओन इंडिविजुअल. एंड नाउ शी इज वेरी वेरी टाइनी, शी इज नॉट इवन टू. या और मैंने भी ये सोचा हुआ है कि आई ऑलवेज टेल हर कि वी आर नॉट गोइंग टू रन बिहाइंड हर फॉर ग्रेड्स. Let her be a good human being when she grows up. Yes. That will be more than enough, because if you're a good human being, good things happen to you. Yes, and we are very, very happy and blessed that we have a daughter, because daughters always are a blessing. And in all true faith, my daughter is a blessing to us. So we can't ask for anything better. I'm very thankful to God. We wish Kimaya lots and lots of love and wishes, and aap dono ko bhi all the best as a parenthood. Aap bahut acha kare and aage bhi karte rahe. Thank you very much. Thank you. And Vijendra, aapke sare fans ko aap kya kahenge? Kyunki bahut rarely aisa hota hai ki Preeti aur aap saath mein mile. So aaj aap dono saath saath hain, kya kahenge aapke sare fans ko? Hum waise hamesha hi saath saath hain aapke. Interaction hamara nahi hua hai kabhi. Interaction thoda kam hota hai because main yahan busy hota hu, and then मैं थोड़ी सी पर्सनल लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको थोड़ा बैलेंस भी करके रखता हूँ. आई एम नॉट अ पर्सन हु कम्स आउट ऑल द टाइम ओपनली. पीआर वगैरह भी कम करता हूँ, बट आई नो दैट यू गाइस लव मी एंड आई लव यू बैक. एंड ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए और प्यार देते रहिए, और आगे भी बहुत सारा काम होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और ये थे आपके साथ विजेंद्र और प्रीति, कैमरा पर्सन राजेश के साथ श्रुति बढ़ जाते हैं मुंबई आज तक.